अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं एयर व्लॉग्स और मेरा नाम है असद। इत करता हूँ कि सेटा क्रूज वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने दो पार्ट में बनाई थी वो। और आज की वीडियो मैं कुछ डिफरेंट बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पहले एक व्लॉग डाला था अपना हेयर कट वाला व्लॉग, जिसमें मैंने अपनी सिंपल अपना डे दिखाया था कि मैंने कैसे स्पेंड किया। आज का व्लॉग भी कुछ इसी तरह बनाने वाला हूँ मैं। अभी हम लोग जा रहे हैं डोमिनोज, क्योंकि मेरे भाई ने पिज्जे ऑर्डर किए हुए हैं वहाँ पे, तो दो तीन पिज्जे हमने ऑर्डर किए हुए थे, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि हमने कौन कौन से पिज्जे ऑर्डर करवाए हुए हैं। ऑब्वियसली डोमिनोज हलाल नहीं होगा, आप समझ रहे होंगे। डोमिनोज पे हमने पहले पिज्जे नहीं करवाए, वेजिटेरियन पिज्जे बुक करवाए हुए हैं, तो वही हम पिक करने जा रहे हैं। तो फिर आपको दिखाते हैं कि यूएसए में डोमिनोज किस तरह का है। अगर हलाल नहीं है तो फिर हमें वेजिटेरियन खाना पड़ता है डोमिनोज से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यूएसए में मोटरसाइकिल तो बहुत कम होते हैं, रोड्स पे गाड़ियां बहुत ज्यादा होती हैं, हर तरफ कार ही है, आपको नजर आएगी। मोटरसाइकिल बहुत कम होते हैं क्योंकि लोग यूज नहीं करते। इसमें मोटरसाइकिल आ जाता है और उतनी प्राइस में कार आ जाती है, उसका लाइसेंस भी लेना काफी मुश्किल होता है, ज्यादातर आपको कार ही नजर आती है। डोमिनोज अभी हम अंदर जाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि हमारे कैसे पिज्जे थे और हमने क्या क्या ऑर्डर किया हुआ है। मेरे ख्याल से हमने अल्फ्रेडो वाला पिज्जा ऑर्डर किया हुआ है एक, और एक हमने किया हुआ है रेड सॉस वाला। हाँ, रेड सॉस वाला ऑर्डर किया हुआ है हमने। बढ़ती चलती रहे दुनिया, अभी जा मुझको आजमा, तेरी हरकतें हैं बेमिसाल, बेबस हूं मैं कब से खड़ा, वादे दबते ये चूर है। तो वही हमने पिज्जे ले लिए हैं यहाँ से, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और अभी आपको दिखाते हैं कि हमने कौन कौन से पिज्जे बाय किए हैं यहाँ से। चीज ब्रेड ऑर्डर किए ये वाली, ये हमारा दूसरा पिज्जा है, ये है पैन वाला पिज्जा मेरे ख्याल से, ये पैन टोस्ट है, पैन अल्फ्रेडो सॉस के साथ, और इसपे लगे हुए हैं हैलपीनियोस और ऑलिव, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमने मिक्स एंड मैच जो डील चल रही थी उसमें लिया। ये हमारा रेड सॉस पिज्जा है, इसपे लगे हुए हैं पाइनएप्पल्स थ्री टॉपिंग्स के साथ, ऑलिव्स और हैलपीनियोस, और भी कोई आप अपनी मर्जी की टॉपिंग करवा सकते हैं इन पिज्जों पे, एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ये डोमिनोज वाले उसका। अब हमारी ड्रिंक की बारी है, क्योंकि आज गर्मी बहुत हो रही है और हमने कहा थोड़ी ठंडी बर्फ वाली ड्रिंक पीते हैं, कोई स्लर्पी या स्मूदी या स्लशी टाइप, तो अभी हम वही पीने जा रहे हैं। मैंने तो बेस्ट ऑप्शन मेरे भाई ने चूज किया कि हम मैकडॉनल्ड चलते हैं, तो वो भी साथ है इसके, मैकडॉनल्ड से हम ऑर्डर करते हैं, ड्राइव थ्रू करेंगे हम लोग। कब से बहती रही नदियां मेरे ख्यालों की, हर पल मैं यूं देता रहा दिल को दिलासा। दो ड्राइव थ्रू हैं, एक ये और एक ये, तो इस वाली में जाएंगे हम लोग। फ्रोजन कोला, फ्रोजन फांटा, फ्रोजन वाइल्ड चेरी। ऑब्वियसली हम लोग मीट की तो कोई आइटम खा नहीं सकते, क्योंकि यूएसए में मैकडॉनल्ड हलाल है ही नहीं, तो ओनली ड्रिंक्स और फ्राइज पे गुजारा करना पड़ता है हमें यहाँ पे। वो ब्लू वाली ले दो स्लशी। कोई फ्री का आइटम है तो दे दो। अरे कहना क्या चाहते हो? थैंक यू। ड्राइव थ्रू पे हमने एक विंडो पे करना है और एक पे हमने अपना खाना लेना है, तो यहाँ पे हम पे करेंगे। तो हमने स्लर्पी, क्या है ये, स्लशी है, फ्रोजी या स्लशी कहते हैं इसको यहाँ पे, इतने की आई है, $2 की है ये वाला साइज। बहुत अच्छी है, बहुत ठंडी, फुल बर्फ से भरी हुई, और फ्लेवर इतना मजेदार इसका। आपकी ड्रिंक कैसी है? मेरी अनस्वीट और स्वीट मिक्स है, हाफ एंड हाफ। चलो ठीक है, ये भी अच्छी ड्रिंक है, मैंने एक दफा पी थी लेकिन मुझे पसंद नहीं आई, ये वाली ज्यादा पसंद आई है। अभी हमें मुस्तैंग नजर आई है खड़ी हुई यहाँ पे, आला आला गाड़ी है यार यूएसए में, फुल मतलब माहौल लोगों ने ऐसे सेट किया हुआ है। ऐसे मेरी टोयोटा नहीं है तो सामने खड़ी है। ये टोयोटा ने बनाई हुई है ये वाली छोटी गाड़ी, अभी आई है मेरे ख्याल से एक दो साल हुए हैं इसको भी। ये हमारे वाली तो है। और ये बनाई है मुस्तैंग ने मैक ई, जो ये जा रही है, ये फुल इलेक्ट्रिक है, 250 माइलेज की रेंज, फुल इलेक्ट्रिक कार भी देखो यहाँ पे चल रही है भाई। मस्तैंग ने एक बनाई हुई है पेट्रोल वाली और एक बगैर पेट्रोल के। वाह। 15 मिनट्स लेटर। Two
hours later. तो यार पिज्जे खाने के बाद मैं ना थोड़ा सा सो गया था क्योंकि मुझे नींद बहुत आ रही थी, तो मैंने कहा मैंने व्लॉग तो फिनिश ही नहीं किया, तो मैं अभी व्लॉग फिनिश करता हूँ। मैंने कहा मैं आपको साथ साथ ये भी दिखा देता हूँ कि गार्डन थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया। मैंने गार्डन व्लॉग आपको दिखाया था, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, अभी सामान लग गया, टमाटर लग गए, अनार लग गए, तो मैं आपको दिखाता हूँ और फिर व्लॉग पॉइंट करेंगे। गार्डन वाले व्लॉग के बाद से हमारे घर टमाटर लगना शुरू हो गए थे क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि टमाटर के फूल बने हुए थे इस तरह, और उसके बाद यही फूल अब ये बन चुके हैं। ये देखो टमाटर यार लगे हुए हैं हमारे घर, ये और टमाटर लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है ये हमने इसलिए लगाई थी क्योंकि ये टमाटर यहाँ बाल लगे हुए नजर आए। मिर्च भी लग गई है यहाँ पे। अनार वाले पौधे में ये डिफरेंस होया है कि अनार लग गए हैं इसको, यहाँ भी इसको अनार लग चुके हैं बिल्कुल, ये देखो इस तरह के, तो वो अब ये चीज़ बन गई है। अमरूद को भी जो निकले हुए थे वो अब सूख गए हैं और ये अब अमरूद बनेंगे फूले होके, दोबारा से अमरूद लगेंगे, पहले इसको अमरूद लग चुके हैं। तो ये था मेरा आज का सिंपल डेली व्लॉग कि मैंने अपना डे कैसे स्पेंड किया। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।